हेलो गाइस, क्या आप चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि हमारे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। ओके, सो हे गाइस, दिस इज इमरान एंड वी वाचिंग टेक रिव्यू डेस्टिनेशन फॉर टेक। तो दोस्तों, आज वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपने पेटीएम के थ्रू गूगल प्ले में बैलेंस डाल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अभी देख सकते हैं कि मेरे पास गूगल प्ले में जो बैलेंस है वो है 12 रुपये 19 पैसा। तो आज मैं पेटीएम के थ्रू अपने गूगल प्ले बैलेंस को रिचार्ज करने वाला हूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और हम देख लेते हैं कि इसका प्रोसेस क्या है और मैं आपको इसमें रिचार्ज करके भी दिखाऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिए तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हम इसे कैसे करते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, तो हम सबसे पहले अपना खोलते हैं प्ले स्टोर। इसको ओपन करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। फिर आपको आना है ऑप्शन पे, यहाँ पे आपको आना है पेमेंट मेथड्स पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको शो कर देगा कि आपके पास गूगल प्ले बैलेंस कितना है। ठीक है, तो हमारे पास गूगल प्ले बैलेंस है वो है 12 रुपये 19 पैसे। तो हम रिचार्ज करते हैं, तो इसे हम करते हैं क्लोज और हम आते हैं पेटीएम में। ठीक है, तो हमारा पेटीएम ओपन हो गया। अब हम पेटीएम में नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो हमें एक ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम है गूगल प्ले रिचार्ज। ठीक है, यहाँ पे प्ले स्टोर का जो लोगो होता है वैसा आपको दिख जाएगा। तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे ऊपर की तरफ देख सकते हैं यहाँ पे है अमाउंट का बॉक्स, तो हम यहाँ पर अमाउंट ऐड कर देते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि मैं अगर इसमें 100 रुपये ऐड करता हूँ तो अगर करता हूँ प्रोसीड, तो आप देखिए यहाँ लिख रहा है इनवैलिड अमाउंट। हमें जो रिचार्ज का कूपन का जो कोड खरीदना है वो खरीदना है कम से कम 110 रुपये का और 5000 रुपये तक, इनके बीच में हम परचेस कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ, मैं 120 रुपये का कूपन खरीद लेता हूँ। फिर मैं उसको दिखा दूँगा कैसे उसमें हम गूगल पे रिडीम करेंगे। तो हम करते हैं प्रोसीड। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ आपको ऑफर्स मिल जाएंगे। तो खैर, हम ऑफर्स पे नहीं जाएंगे। आप रिचार्ज करना तो आपको अगर मिलता है ऑफ़र तो अप्लाई कर देना। फिर मारते हैं सबसे नीचे तरफ प्रोसीड टू पे 120 रुपीज़, इस पर क्लिक करते हैं। तो हमें यहाँ पे जो है कि काफ़ी सारे पेमेंट के ऑप्शन मिल जाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि ये भी आप देख सकते हैं कि हमारे सामने काफ़ी सारे पेमेंट के ऑप्शन आ जाते हैं, लेकिन मेरे वॉलेट में जो कि 122 रुपये पहले से है और मुझे 120 रुपये पेमेंट करना है, तो मैं सीधे पेटीएम बैलेंस पे यहाँ पर चेक किया हुआ है। नहीं तो अगर ऐसा आता है तो आप यहाँ पे चेक कर दीजिए, फिर आपको ये एक्टिवेट हो जाएगा। फिर आप करते हैं पे 120 रुपीज़, तो यहाँ से कि आगे का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो हमने गूगल प्ले बैलेंस कोड जो है कि परचेस कर लिया। हमारे पास जो है कि इसका रिचार्ज कोड भी आ गया है। ठीक है, नीचे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है EXH1JJ, ऐसे करके कोड आया हुआ है। इस कोड का यूज़ करके हम इसे अपने गूगल प्ले बैलेंस में ऐड कर सकते हैं। तो चलिए हम उसको ऐड कर लेते हैं। और इसका ईमेल भी आता है, तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। तो आपको SMS भी आएगा। ठीक है, SMS आता है, ईमेल आता है, और आपको सामने भी यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है। तो हम एक सेकंड में आपको SMS दिखा देता हूँ। तो ये रहा SMS जो कि मैंने अभी परचेस किया था, उसका यहाँ पे रिडीम कोड है। अब हम इसे रिडीम करेंगे, तो हम इसे आते हैं होम पे। होम पे आने के बाद हम आपको दिखा देते हैं कि तो मेल भी आया होगा इसका, तो मेल भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आते हैं, फिर आते हैं ऑल मेल पे, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा पेटीएम ग्राम से मेल आया आपका। इसे ओपन कर लेते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है कि 120 रुपये का गूगल प्ले का रिचार्ज का कोड आ गया है। तो हम इसे रिचार्ज करेंगे, तो सबसे पहले इस बॉक्स में क्लिक करके सिलेक्ट करके हम इसे कॉपी कर लेते हैं। फिर हम करते हैं रिडीम 120 पे क्लिक, तो यहाँ पे हमें पेज ओपन हो जाएगा और सीधा हमें भेज देगा गूगल प्ले स्टोर में। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे आना है ऑप्शन बटन पे। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद हमें आना है पेमेंट मेथड्स पे। ठीक है, इस पर टैप कर देना है। फिर यहाँ पे सबसे नीचे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है रिडीम कोड, इस पर हमें टैप करते हैं। यहाँ पर टैप करने के बाद यहाँ पर हमें कोड डालना है। ठीक है, ऊपर की तरफ आपको ईमेल दिखेगा आपका, मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब हम करते हैं रिडीम।
ठीक है, रीड कोड सही है, नहीं तो वहाँ पे एरर मैसेज आता कि आपका कोड सही नहीं है। फिर यहाँ पे हमें आ रहा है कि आपका जो 120 रुपये का कूपन है वो आपको इस मेल पे आपको ऐड होने वाला है, तो हम कर देते हैं कन्फर्म। आप मेल चेक कर लीजिएगा। ओके, तो हमारे सामने मैसेज आ गया स्कोर 120 एडेड टू योर अकाउंट। ठीक है, तो हम चलते हैं सी रिवॉर्ड पे, देखते हैं हमारे लिए कुछ रिवॉर्ड है कि नहीं। तो यहाँ पे कुछ कॉल ऑफ ड्यूटी गेम का रिवॉर्ड है जो कि 420 रुपये का है, लेकिन इसकी वजह से हमें फ्री में मिल रहा है। तो खैर मैं तो खेलता नहीं हूँ, लेकिन अगर आप खेलते हैं तो आप कंफर्म कर दीजिएगा, तो आपका ये हो जाएगा। ठीक है, इसे कर देते हैं क्लोज। ठीक है, तो हमारा रिडीम हो गया है, लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि ऊपर की तरफ आप जो लिखा हुआ है गूगल प्ले बैलेंस 12 रुपये 20 पैसा, ये अभी यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ है। तो उसमें घबरानी बात नहीं है, हमें जाना बैक करना है, फिर इसे दोबारा पे जाना है और करना है पेमेंट मेथड पे क्लिक। तो हमारा जो रिफ्रेश हो जाएगा, आप देख सकते हैं कि हमारा जो बैलेंस था वो ऐड हो गया, अब दिखा रहा है 132 रुपये 19 पैसे। तो इस तरीके से जो है कि आप आसानी से अपने गूगल प्ले में पेटीएम के थ्रू बैलेंस ऐड कर सकते हो। तो मेरे दोस्तों, आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बस आज इतना ही, और मेरे दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपका कोई सवाल सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं जल्दी उस पर रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी आपके सारे मेरे चैनल का लोगो आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि फ्यूचर में आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिलती रहे। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।